तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। तो आज हम आ चुके हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, रीवा स्टेशन पे जर्नी होने वाली है रीवा स्टेशन से। तो चलते हैं रीवा स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। स्टेशन की बात करें तो टोटल 3 प्लेटफार्म का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो सतना और रीवा ब्रांच लाइन पे पड़ता है। इसके आगे कोई भी स्टेशन नहीं है और इसका स्टेशन कोड हुआ REWA और इसका जो जोन पड़ता है वो जबलपुर डिवीज़न में पड़ता है, वेस्टर्न मध्य रेलवे यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत रीवा जंक्शन आता है। जर्नी होने वाली है रीवा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो रीवा से चलती है और आनंद विहार को जाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं खड़ी है, इसी से आपकी जर्नी होने वाली है। और ट्रेन का नंबर है 12427 जो अपने उत्कृष्ट कोच LBS रेक के साथ चलती है। दोस्तों, इस ट्रेन को पहले न्यू दिल्ली से चलाया जाता था, बाद में इसको शिफ्ट करके आनंद विहार तक टर्मिनेट शिफ्ट कर दिया गया। और ये ट्रेन अपने राजधानी एक्सप्रेस है जो यहाँ से चलती है दिल्ली के लिए, उससे 2 घंटे से ज़्यादा का थोड़ा सा समय लेती है क्योंकि उसके बराबर ही जाती है। तो एकदम बहुत सुपरफास्ट ट्रेन है जिसके लिए इसको शाने भोपाल भी कहा जाता है। और इसको पहली बार ऑपरेट किया गया था 1 जनवरी 2004 को और इसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे जोन के डिवीज़न से इसको ऑपरेट संचालित किया जाता है। और अपनी जो आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस है वो दिल्ली पहुंचाने के लिए 850 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे 30 मिनट में तय करती है। और एवरेज स्पीड की बात करें तो 58 किमी/आवर इसका एवरेज स्पीड है। रीवा से इसके चलने का टाइमिंग है 4:20। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का इंटीरियर। हाँ तो दोस्तों, 12427 रीवा से आनंद विहार तक चलने वाली अपनी ट्रेन का रीवा से एकदम राइट समय से डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेशन सतना जंक्शन पे। अलविदा रीवा। दोस्तों, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, सामने हमको दिख रहा है सीमेंट फैक्ट्री जो रीवा से चलने के साथ ही
आपको जगह जगह रास्ते में दिखाई देंगे। दोस्तों अपनी ट्रेन का देख सकते हैं कितना शानदार कर्व लेते हुए। तुर्की रेलवे सीमेंट प्लांट, और ये अपनी खड़ी है वेब 4 इंजन के साथ मालगाड़ी। इससे अच्छा आप ले लो सर। तो रीवा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने पहले पड़ाव सतना जंक्शन पे आ चुके हैं। तो सतना जंक्शन का स्टेशन कोड हुआ STA, और नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो इसमें टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और अपना सतना स्टेशन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीज़न में पड़ता है। और देख तो दोस्तों आप देख सकते हैं सतना जंक्शन पे अपने लोको रिवर्सल हो रहा है सतना से, फिर से वापस उसी दिशा में प्रयागराज को जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी हंटिंग। F7 इंजन के साथ चलती है अपनी गाजियाबाद सेट के, F7 इंजन के साथ चलती है अपनी रीवा एक्सप्रेस, जो इसका लोको रिवर्सल किया गया है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट जर्नी नेक्स्ट स्टेशन पे। आप देख सकते हैं सतना जंक्शन से अपने ट्रेन का 10 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। बाय बाय सतना जंक्शन। रीवा से 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने सेकंड हाल्ट जयतवारा पहुंच चुके हैं। जयतवारा का स्टेशन कोड हुआ JTR, और प्लेटफार्म
की बात करें तो यहाँ पे टोटल दो प्लेटफार्म है और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज मानिकपुर जंक्शन पे। तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद जैतवार से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज मानिकपुर जंक्शन पे। ऐसे मारा क्लियर, थोड़ा ज्यादा आवाज आया। तो इलाहाबाद से 126 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने तीसरे हॉल्ट मानिकपुर जंक्शन पे आ चुके हैं। इसका स्टेशन कोड हुआ MKP और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के बारे में, टोटल 4 प्लेटफॉर्म है इसमें, क्योंकि यहाँ से एक लाइन चित्रकूट के लिए जाती है और एक लाइन इलाहाबाद के लिए और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं सतना के लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और जो पड़ता है अपना NCR जोन के इलाहाबाद डिवीज़न में, नॉर्थन सेंट्रल रेलवे के इलाहाबाद जोन में। मिनट के हॉल्ट के बाद अपने ट्रेन का मानिकपुर से डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज। तो ये आपको वॉश बेसिन का नज़ारा दिखा देते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं वाटर सोल्यूशन जो ख़राब हो चुका है, और नीचे फायर एग्जीबिशन इसका भी प्लेटफॉर्म उखाड़ के फेंक दिया गया है, और सामने मिरर ठीक ठाक कंडीशन में है और वॉश मशीन ठीक ठाक है, पानी आ रहा है। और बाथरूम का नज़ारा आप देख सकते हैं, लाइट सही है और सामने मिरर भी काफ़ी साफ सुथरा है, और यहाँ पे भी सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भी पानी में कोई दिक्कत नहीं है, पानी आ रहा है। यहाँ पे एक हैंगर है। तो कुल मिला जुला के वॉश बेसिन बाथरूम का पोजीशन ठीक ठाक है। देख सकते हैं आज अपनी यात्रा में अपने 2 सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये कहाँ तक जाएंगे। तो भाई आपका नाम क्या हुआ? अंकित। अंकित, हाँ। तो ये है अंकित कुमार, और इनका भी एक YouTube चैनल है अंकित कुमार नाम से। तो इनको चैनल को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए। भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो। हाँ। और आपका नाम क्या है भाई? अमरजीत सर। अमरजीत सर, कहाँ जाएंगे आप? सतना से दिल्ली। सतना दिल्ली, अच्छा। तो ये भी दिल्ली जाएंगे, और ये दोनों सब्सक्राइबर भाई हमसे मिले हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिल के। ये अपने इस ट्रेन के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं, तो बताइए ट्रेन कैसी है, आपको कैसा इसमें अनुभव अपना बताइए कुछ। सर बढ़िया लग रहा है इसमें घूमने पे। हाँ। और जो भैया लोग मिले हैं बहुत अच्छे हैं, और इनके चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ये इस रूट की सबसे बेहतरीन ट्रेन है। ठीक है, तो इस जर्नी को आप देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब पर करिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। कमेंट करिए कि आप कैसा लगा, कमेंट करके बताइए इस जर्नी कैसा लगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जर्नी में। ये तो ईस्ट इंडिया का पहला प्रचार है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो रीवा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने चौथे पड़ाव डभौरा स्टेशन पे आ चुके हैं। और डभौरा एक छोटा सा 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। तो 2 मिनट का यहाँ पे हाल्ट है, और इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप पर शंकरगढ़ में। सामने देख, लड़ाई हो रही है।
लड़ाई हो रही है यहाँ पे। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद डभौरा से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। क्यों लड़ाई कर रहा है भाई? गुड बाय डभौरा, अलविदा। डभौरा चलो करो। ये रहा अपना शंकरगढ़ स्टेशन। थोड़ा बहुत दूरी लग रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ बहुत छीनने वाले बात जा रहा होता है। ये ट्रेन इससे पहले पहुंचेगी। अंदर हो जाओ यार, अंदर हो जाओ। रीवा से लगभग 226 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपने छठे हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन पे आ चुके हैं, और प्रयागराज जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफार्म पे हमारी ट्रेन आई है। और नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफार्म है, और ये पड़ता है अपना NCR जोन के इलाहाबाद मंडल में। आज की अपनी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है, और मिलेंगे आपसे एक नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।